चलो अच्छा हुआ तुम पढ़ लिखाई, हमारे सिर से एक जिम्मेदारी तो उतरी। हाँ ये तो बताओ तुम्हें किशोर कैसा लगा? किशोर आंटी का बेटा? हाँ बेटी, हमारे मरहूम दोस्त और बिजनेस पार्टनर सेठ किशनचंद का लड़का, आजकल दार्जिलिंग का पूरा कामकाज वही संभालता है। तुम्हें पसंद है ना? पसंद? ओ नो मम्मी, अगर तुम्हारा मतलब शादी से है तो नो प्लीज, अभी शादी की बात मत करो। अभी तो मुझे ये सोचना है कि मैं शादी करूंगी भी या नहीं। क्या? हाँ मम्मी, अपनी जिंदगी के बारे में मैंने सोचा ही कहाँ है। अमेरिका की शोर हंगामे ने वक्त ही नहीं दिया, बल्कि मुझे इतना थका दिया है कि मैं कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह जाना चाहती हूँ जहाँ शोर हंगामा ना हो, आराम हो, शांति हो, सुकून हो। मम्मी, where do you think I should go? Oh, कश्मीर। Oh, wonderful. मैं तो दार्जिलिंग का सोच रही थी, पर कश्मीर बेटर रहेगा। क्यों डैडी? क्यों बेटी, अपने डैडी से एक ही दिन में तंग आ गए? आप भी तो चलेंगे? Oh no darling, I'm very sorry. मैं तो बॉम्बे से एक मिनट के लिए भी बाहर नहीं जा सकता हूँ। अपनी मम्मी से पूछ लो। Impossible. अगले 3 हफ्ते तो मैं वुमेन कॉन्फ्रेंस के जलसों में इस कदर बिजी हूँ जैसा वाले की मालिश कराने भी नहीं जा सकती। देखो ना कितनी मोटी होती जा रही हूँ। तुम्हारे डैडी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। तुम क्या करो मम्मी? शट अप। डैडी, क्या मैं अकेली जाऊंगी? नहीं बेटी, हम स्टेला को तेरे साथ भेज देते हैं। कब जाना चाहती है? एनी डे डैडी। ओके माय डियर, मैं आज ही ट्रंक कॉल पे तेरे लिए हाउस बोट का इंतजाम करवा देता हूँ। ओके थैंक यू। अरे ये कहाँ मर गया मेरी भाई? गॉड फॉरगिव। अलाबाद, ओ अलाबाद। आया साहब आया। अलाबाद, तुम पर अल्लाह मेहरबान, मुंबई से पैसेंजर आया, उनको हाउसबोट दिलाओ। तुम हम देखे मैडम, डू यू लाइक दिस हाउसबोट? आपको ये हाउसबोट पसंद आया ना? मस्त भी बहुत, लेकिन वो नहीं जी। व्हाट? बट व्हाई? यानी कि क्यों? हमारा सामान उस हाउस बोट में रखवा दो। मैडम, दिस हाउस बोट बिलोंग टू ए मैड किंग। ये तो पागल राजा का हाउस बोट है, वो किराए पर नहीं देगा। ही वोंट गिव ऑन रेंटल। डू एज आई से, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। गो। ऑलराइट मैडम, एज यू विश, जैसा आपका मर्जी, लेकिन हमको भी पूछना पड़ेगा। आई हैव टू आस्क फर्स्ट। छुपसा राजा, यू आर वेरी लकी माई मुन्ना। बम्बई पटाऊ पैसेंजर इमस छू चाउन हाउस बोट पसंद। मैन हाउस बोट छुन खाली। व्हाट? जो अफ्रीका साहब छू तोर मुतको से दिखना मैन एंड पैसेंजर एंड हाउस बोट। ना मैड मैन। मैडम, वेरी वेरी बैड लक, वो हाउस बोट तो पहले से ही बुक है। इट इज ऑलरेडी बुक्ड। लेकिन अभी यहाँ कोई रहने के लिए तो नहीं आया ना? Nobody is there. उसे कह दो कि हम ज्यादा पैसे दे देंगे। All right, I will ask again. मुझे फिर से पूछना पड़ेगा मैडम। राजा, ईद पहुँच मुंगे, ईद दे मोहे। अरे मुन्ना, क्या हाउस बोट? सावन पानी पैसेंजर्स दुनिया आसमान सौ पोस कहाँ चीज? पांच दिन में तेरे ना एम बुक कर मुक्की। Oh God, this man again mad. दे देना, वो लोग तो परसों आने वाला था, अभी नहीं आया। तुम चुप। एक्सक्यूज मी। ओहो, शी वांट्स योर हाउस बोट। ये आपका हाउस बोट मांगती है। कितना किराया है इस हाउस बोट का? सिर्फ 500 मैडम। हम 600 देने के लिए तैयार हैं। 700, 800, आखिर क्या लेना चाहते हो तुम? 500 मियम साहब। क्या कहा? हाँ मियम साहब, सिर्फ 500। आओ हम तुमको हाउसबोट दिखाता है। आओ मियम साहब, मनीजर साहब तुम इधर रहना है, हम अभी आता है। तुम
बड़े अजीब आदमी हो, 500 रुपए ही लेने थे तो पहले क्यों इनकार किया? ओ मीम साहब, पैसे का बात नहीं था, उसूल का बात था। हमारा हाउसबोट अफ्रीका के दो साहब लोग लिया था। तो अब? तो अब अभी अभी हमारा मुनी मैन हमको बताया कि वो साहब लोग को दो दिन पहले आना था, वो साहब लोग नहीं आया, हमारा हाउसबोट खाली हो गया, हमने तुमको दे दिया। अब मीम साहब, ये हमारा ड्राइंग रूम है और ये हमारा किताब का लाइब्रेरी है। इसमें इसमें टैगोर है और शेक्सपियर और मुंशी प्रेमचंद है, बहुत अच्छा लोग है इसमें मिम साहब। और वो मिम साहब हमारा रिकॉर्ड का लाइब्रेरी है, उसमें साहिल साहब है, मोहम्मद रफी साहब है और अपना क्या नाम है, लता मंगेशकर साहब भी है और बिलायती गाना भी है मिम साहब, अपना क्या नाम है अपना भाई का, एलसी प्रेसली साहब है और इन लोग सब है मिम साहब, सब लोग गाते हैं मिम साहब। तो वो हमारा बात पे हैरान होता है मिम साहब। तुम्हारा हैरानी ठीक है, हम पढ़ा लिखा नहीं है पर इधर बहुत पढ़ा लिखा लोग आता है मिम साहब और उनके मुंह से बात सुनता है हमको याद हो जाता है। मिम साहब यह हमारा खाने का कमरा है, अच्छा है ना? और ये एक और कमरा है, इसे हम बेडरूम बोलते हैं। ये पलंग है मिम साहब, ये चादर कश्मीर सिल्क का है और इसके नीचे डनलप टार का गदा है। डनलप क्या है? हाँ मिम साहब, ये देखो। ओह डनलप पिलो। डनलप पिलो। खूबसूरत। शुक्रिया मिम साहब। अच्छा मिम साहब, हम आपका सामान लेके आता है। सामान अंदर आ गया। अच्छा मिम साहब, आपको किसी चीज का जरूरत होगा तो हम अपने ढूंढे में। सलाम मिम साहब। सलाम साहब, तुम आ गया? हाँ हम लोग आ गया, हमारा खत वक्त पे मिला। हाँ साहब, खत तो वक्त पे मिला मगर तुम वक्त पे नहीं आए, हम हाउसबोट दे दिए। मगर क्यों? साहब तुम दो दिन लेट आए ना। लेकिन पिछले साल तो हम लोग 12 दिन देर से आए थे। साहब पिछले साल का बहुत और था, इस साल तो हम हाउसबोट दे दिए। समझ गया समझ गया, हाउसबोट किसी लड़के को दिया है ना? हाँ साहब। खूबसूरत है? हाँ साहब। जवान है? देखो साहब, हमारा मेहमान हमको जान से प्यारा होता है, मेहमान के बारे में ऊंचा नीचा नहीं सुन सकता। साहब तुम दूसरा हाउसबोट देखो ना, साहब दूसरा हाउसबोट देखो ना, आला बख्श का हाउसबोट है साहब, हाउसबोट बहुत अच्छा है साहब। क्या साहब? सलाम साहब। जेंटलमैन, टूलेट का बोर्ड उतार दो और हमारा सामान अंदर रख दो। वेदर साहब। और सुनो, तुम्हें भी मेहमान जान से प्यारा है या नहीं? है साहब। तो सुनो, हमारे बारे में भी कोई ऊंची नीची बातें ना करे। लो देखेगा साहब। सामान जल्दी अंदर ले आओ। ये बॉस बॉस, ये दो है, दो दो। ओ यून, ये बॉस मैं जो देख रहा हूँ वो तुम देख रहे हो। यस बॉस। लेट्स रिट्रीट रिट्रीट। हमको जल्दी बुलाना मियम साहब, हमको जल्दी बुलाना मियम साहब, हाँ जल्दी बुलाना मियम साहब। ए भाई पागल हो गया क्या? आप पागल हो गए हो? क्या थाने में रिपोर्ट लिखा दे? थाने में क्यों, मियम साहब को बोलूंगी। ओ खबरदार, मियम साहब से कुछ भी कहा समझी? मैं तो चली चली क्या पानी में फेंक दूंगा? फेंक दे। फेंकूं? अच्छा एक तो तीन चार। अरे नहीं, तुमको क्या पानी में फेंकेगा, तुम तो हमारा मुन्नी बहन है। बड़ा मेम साहब रोज एक लेटर लिखने को बोला था। ऋषि बाबा, किशोर साहब को पन एक लिखने का। क्यों? आप उसको एयरपोर्ट पर प्रॉमिस किया था नहीं? ओके। डियर किशोर, माय डियर किशोर। ओह नो स्टेला। यस मिसी बाबा। तुम अपने बॉयफ्रेंड को पहला खत कैसे लिखा था? ओह मिसी बाबा, अपन को तो अभी तक चांस ही नहीं मिला। पर तुम डार्लिंग लिख सकते हो मिसी बाबा। नहीं स्वीटहार्ट। ओह नो नो, लेट मी थिंक। क्यों? हमारे मिसी बाबा को डिस्टर्ब होता है।
मियम साहब को क्या होता? डिस्टर्ब होता है, उनको पसंद नहीं आता। पसंद नहीं आता? अपना मियम साहब को जाकर बोलो कि हम अपना हाउसबोट किराए पे दिया, अपने आप को किराए पे नहीं दिया। हमारा दिल चाहेगा हम गाएगा बजाएगा, हमारा दिल नहीं चाहेगा हम नहीं गाएगा नहीं बजाएगा। तो तुम नहीं बंद करेगा? नहीं बंद करेगा। हम इस बाबू को बोलता है कि वो बोलता है हमारा दिल चाहेगा हम नहीं बजाएगा, हमारा दिल नहीं चाहेगा हम बजाएगा। हमारा क्या है, हाउसबोट छोड़कर चला जाएगा, दूसरा हाउसबोट पे जाएगा जिधर कोई नहीं गाएगा कोई नहीं बजाएगा। हाँ शहर का मुर्गी। ए भाई डर गया क्या? हम डर गया, राजा किसी से नहीं डरता, हमारा मर्जी में जो आएगा वो करेगा, हम किधर भी जाएगा किधर भी गाएगा कुछ भी बजाएगा। पागल से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। जब ये रुत मस्तानी आती है, जब ये रुत मस्तानी बनती है कोई ना कोई कहानी, बनती है कोई ना कोई कहानी। अब के बरस देखें बने क्या फसाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। कहा है पंछी इनको रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को, रात को ठहरे तो उड़ जाए दिन को। आज यहाँ कल वहाँ है ठिकाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। ओ बागों में जब जब फूल खिलेंगे, बागों में जब जब फूल खिलेंगे तब तब ये हर जाई मिलेंगे, तब तब ये हर जाई मिलेंगे। गुजरेगा कैसे पतझड़ का जमाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। आमियम साहब, चेला के मना करने पर भी तुमने गाना बंद नहीं किया, क्यों?
लेकिन अब तो बंद हो गया है मियम साहब। हम बहुत बुरा गाता है क्या? मेरा मतलब तुम्हारे बुरा या अच्छा गाने से नहीं है, बंद करने से है। क्यों? इसलिए कि हम खत लिख रहे थे और जब हम खत लिख रहे हो तो गाना मत गाया करो। ओ मियम साहब, हम समझ गया, बिल्कुल समझ गया। अब ऐसा गुस्ताखी कभी नहीं होगा। जब तुम गाना गा लेगा तब हम खत लिखेगा। नहीं मियम साहब, जब तुम खत लिख लेगा तब हम गाना गाएगा। ठीक है ना मियम साहब? मियम साहब उठो, मियम साहब उठो, मियम साहब। तुम? सलाम मियम साहब। तुम क्या कर रहे हो हमारे बेडरूम में? हम मियम साहब, हम इधर फूल लगाने के वास्ते आए मियम साहब। रोज सुबह हम इधर फूल लगाने के लिए आता है, ये देखो। ठीक है, लेकिन आगे के लिए याद रखो, हम जब सोकर उठ जाए करेगा तो फूल लगाने आया करो, और वो भी दरवाजा खटखटा के, समझे? समझ गया मियम साहब। तुम खत लिख ले तो हम गाया करें, तुम सो के उठ जाए तो हम फूल लगाया करें, और वो भी दरवाजा खटखटा के। ठीक है मीम साहब? अच्छा मीम साहब, हम जाते हैं। मीम साहब, तुमको हमारा भाई का गाना पसंद नहीं आया? अच्छा गाता है तुम्हारा भाई। तो फिर तुम उसको बख्शीश क्यों नहीं दिया? बख्शीश? हाँ मीम साहब, इधर का रवाज है, किसी का कोई बात पसंद आ जाए उसका बख्शीश देते हैं। अच्छा, तुम हमारी स्टेला को चाय लाने के लिए बोलो, हम तुम्हारे भाई को बख्शीश देंगे। अच्छा मेम साहब। अब क्या है? मेम साहब। राजा जी, मेम साहब ये खत पोस्ट कर दो। अच्छा मेम साहब। और सुनो, क्या मंगवाना मेम साहब? बख्शीश, तुम अच्छा गाते हो इसलिए। लो लो ना। सलाम। पड़ोसियों को हेलो करने के लिए जाता? शट अप। पड़ोसी को हम हेलो करने के लिए जाता तो हम किधर जाता? तुम अंदर जाकर पेपर पढ़ता। नहीं बॉस, हम तुम्हारा साथ जाएगा। तुम अगर हमारा साथ जाएगा तो तुम जानता है हम क्या करेगा? क्या करेगा? तुम्हारा बाप को, तुम्हारा माँ को, तुम्हारा बहन को, तुम्हारा भाई को, और तुमको सबको नौकरी से बाहर निकाल देगा। ठीक है, आप हमको नौकरी से निकाल दो, हमारा खानदान को नौकरी से निकाल दो, लेकिन याद रखो तुम्हारा राज हम सबको। सोच लो झुनझुन। देखो तुम हमारा सेक्रेटरी है ना, लेकिन हम तुमको दोस्त की तरह रखते हैं। देखो हम तुमको लेकर जाएगा, लेकिन एक शर्त पर। एक शर्त नहीं, हजार शर्त। देखो झुनझुन, तुम अपनी हैसियत के मुताबिक आया को हेलो करो, और हम मेम साहब को हेलो करेगा। एग्री। वेरी गुड। ये फ्लावर लेके जाएगा। लेकिन दिस इज माय बॉस। हे यू, बाय अनदर। लेकिन बॉस, मेरे पास पैसा नहीं है। अरे पैसा दे दो। मुनी, क्या मालूम किधर गया? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें किसको मिलने को मांगता? हम आपसे मिलने आया है, और हमारा सेक्रेटरी तुम्हारा आया से मिलने आया। आया? पर हमारे तो कोई आया नहीं, हम आया है। तुम आया है? Yes. तो हमारा सेक्रेटरी तुमसे मिलने आया है, और हम तुम्हारा मेन साहब से मिलने आया है। यंग लेडी, इधर देखो, हम भी तो मैन है। हम देखा तुम कहीं खुल जाया। हम आपको हेलो करने के वास्ते आया। हेलो हेलो हेलो। मैं आपका पड़ोसी हूँ, और भगवान के इस बात पर यकीन रखता हूँ। भगवान ने कहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने पड़ोसी से भी मोहब्बत करो। लेकिन आप इस वक्त यहाँ कैसे आए? जी, भगवान से इजहार मोहब्बत करनी।
यानी आपसे। आपने जो कुछ भी कहा हमने कुछ नहीं सुना। आई मीन टू से यू गेट आउट। आप मेरी बात तो सुनिए। मैं कहती हूँ चले जाइए। अच्छी बात है, घर से निकालना आसान है, देखेंगे आप दिल से कैसे निकाल। गेट आउट। ए भाई किधर जाता है? हमारी पर जाता है। क्यों? आज इधर गाना नहीं गाएगा? नहीं मुन्नी, अब हम इधर गाना कभी नहीं गाएगा। क्यों? मेम साहब से डर गया क्या? डरने का बात नहीं है मुन्नी, हम इधर गाना गाता तो मेम साहब सुनता, मेम साहब सुनता तो मेम साहब को पसंद आता, मेम साहब को पसंद आता तो हमको बख्शीश देता, हमको बख्शीश देता तो हमारा दिल जलता। अरे वारे भाई, इधर किसी को 8 आना बख्शीश मिले उस सुबह से शाम तक सलाम करता है, और मेम साहब तुमको 10 रुपया दिया तो तुम्हारा दिल जलता है। हाँ जलता है, हमारा दिल जलता है, तुम्हारा दिल थोड़ी जलता है, हमारा दिल जलता है, चलता है, चलता चलता है, चलता है। पागल कहीं का। मैं तो हूँ सब
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम गाना सुनते थे मीम साहब, तुम बहुत अच्छा गाना गाता है, हमारी तरफ से तुमको बख्शीश। बख्शीश? तुम हमें बख्शीश दोगे? तुम हमारी बराबरी करते, शर्म नहीं आती तुम्हें? मीम साहब, इसमें शर्म का क्या बात है, पहला हम अच्छा गाना गाया, तुम बख्शीश दिया, अब तुम अच्छा गाना गाया, हम बख्शीश दिया। Get out! मीम साहब, रोज फूल लगाने को आएगा हमारे भाई ने। क्यों? वो तुमसे डरता है मेम साहब। इतना लंबा चौड़ा तुम्हारा भाई हमसे डरता है? भला क्यों? वो उसको मालूम, हमको नहीं मालूम। अच्छा, उसे भेज दो। अच्छा मेम साहब। सलाम मेम साहब। ए भाई, क्या है? तुमको मेम साहब बुलाता है। मेम साहब हमको क्यों बुलाता है? ये हमको नहीं मालूम, वो उसको मालूम। मेम साहब गुस्से में था? गुस्से का नहीं मालूम, नींद में था। हम जाए? जाओ। जाए? जाओ ना। जाओ बाबा, तुम तो पागल हो गया है। अच्छा जाता है। सलाम मेम साहब। सलाम। तुमने हमको बुलाया मेम साहब? तुम आज फूल लगाने क्यों नहीं आए? वैसे तो तुम हमसे डरते हो? नहीं मेम साहब, भगवान के सिवा हम किसी से नहीं डरता है। मुन्नी तो कहती थी कि तुम हमसे डरते हो। तुम भी तो भगवान का रूप है ना मेम। क्या मेम साहब, वो हम सब में भगवान है मेम साहब। तुम बहुत बातें करते हो, ये खत पोस्ट कराओ। मीम साहब, हम एक बात पूछे? क्या है? तुम रोज रोज ये खत किसको लिखता है मीम साहब? अपने घर वालों को, दोस्तों को। क्यों? वैसे ही हम सोचता है कि तुम्हारे घर में कौन कौन होगा मीम साहब? हमारे घर में हमारी मम्मी है, डैडी है, छोटा भाई है और नौकर चाकर है। मीम साहब, अब हम असली बात पूछे? मिसी बाबा चाय। असली बात अब भी बाकी है। तुम उनको क्या क्या लिखता है मेम साहब? खत में क्या लिखते हैं तुम्हें मालूम नहीं? हम तो जल का मछली है मेम साहब, इधर ही पैदा होता है और इधर ही मर जाता है। और फिर मेम साहब हम किसको लिखेगा और कैसे लिखेगा? तुमको तो मालूम है कि हम पढ़ा लिखा नहीं। कल को तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारी बीवी तुमसे दूर चली जाए तो तुम उसे चिट्ठी नहीं लिखोगे? मीम साहब, हम शादी करेगा तो हम अपना बीवी को अपने पास रखेगा, दूर नहीं भेजेगा। तुम पागल? हाँ मीम साहब, हमसे पहले हमारा बाप भी पागल था। क्या? हाँ मीम साहब, हमारा बाप पढ़ा लिखा आदमी था, दफ्तर में नौकरी भी करता था। इधर घूमने के वास्ते आया, हमारा माँ से इश्क हो गया, नौकरी छोड़ दिया, हमारा माँ से शादी बना दिया। तुम्हारी माँ से? हाँ मेम साहब, हम बाद में पैदा हुआ, उसके बाद हमारा एक छोटा बहन भी पैदा हुआ था। मेम साहब, वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता था। एक रोज वो लोग मछली पकड़ने को गया, बहुत दूर गया, वो रोज तूफान आ गया और वो दोनों तूफान में बह गया मेम साहब। लेकिन मेम साहब सचमुच वो एक दूसरे से बहुत ही प्यार करता था। जब जब उनका लाश मिला
तब भी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था मेम साहब। हम भी यही ख्वाब देखता है मेम साहब कि जब हम मरेगा तब भी हम दोनों का हाथ हाथ में होगा मेम साहब। हम दोनों कौन? हम और हमारा बीवी मेम साहब। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं मेम साहब, हम भी कवार हैं। अच्छा जाओ, खत पोस्ट कराओ। अच्छा मेम साहब, हमारा गुस्ताखी माफ करना मेम साहब। मेम साहब। क्या है? हमने फैसला कर लिया मेम साहब, हम पढ़ेगा। अच्छी बात है, तो स्कूल जाना शुरू कर दो। नहीं मेम साहब, हम स्कूल में नहीं पढ़ेगा, हम तुमसे पढ़ेगा। मुझसे? हाँ मेम साहब, स्कूल में तो छोटा छोटा बच्चा पढ़ता है, हमको उधर शर्म आएगा। लेकिन बड़े लोगों के लिए भी तो नाइट स्कूल होते हैं। उधर सब बूढ़ा बूढ़ा लोग पढ़ता है, हमको देखकर उनको शर्म आएगा। ओ, तुम्हें एबीसी तो आती है ना? नहीं मैम साहब, अब अंग्रेज लोग सब चला गया, हम अंग्रेजी नहीं पढ़ेगा। तो हम लोग भी बीते पढ़ेगा। मुझे नहीं आती। तो ठीक है, हम आई वो पढ़ेगा। अच्छा बैठो। तुम बहुत अच्छा है मैम साहब। अरे वहाँ बैठो ना। नहीं मैम साहब, तुम हमारा उस्ताद है, उस्ताद हमेशा ऊपर बैठता है, शागिर्द नीचे। ये लो मैम साहब। अच्छा बाबा, राजा से जाकर कहो कि आज हम उसे कमरे में नहीं टेरेस पर पढ़ाएंगे। बहुत अच्छा मिसी बाबा। मिसी बाबा, एक बात बोलेंगा तुम गुस्सा तो नहीं होएंगा? मिसी बाबा, हम देखता है तुम राजा में बहुत इंटरेस्ट लेता है, देखो नहीं अब तुम उसको टीचिंग पर शुरू कर दिया। बहुत अच्छा लड़का है बेचारा, सीधा साधा, शरीफ। और फिर स्टेला, अगर मेरे कुछ इंटरेस्ट लेने से वो पढ़ लिख जाए तो उसमें बुरा ही क्या है? बहुत अच्छा है मिसी बाबा, हमको भी बहुत अच्छा लगता है। औरत, बच्चा, गलत है मेम साहब, ये किताब गलत छपा है। कैसे? देखो मेम साहब, आदमी ठीक है, औरत भी ठीक है, लेकिन बच्चा गलत है मियम साहब। ये देखो। ठीक तो क्या? नहीं मियम साहब, देखो मियम साहब, ऐसा होना चाहिए, पहले आदमी, फिर औरत, फिर शादी, फिर बच्चा, ठीक है ना मियम साहब? राजा, तुम हमेशा बदतमीजी की बातें करते हो, तुम्हें ये भी मालूम नहीं कि लड़की के साथ किस तरह बात की जाती है? गुस्ताखी किया हो तो हमको माफ करना मियम साहब, लेकिन मियम साहब हमने इससे पहले किसी लड़की से बात नहीं किया तो हमको कैसे? ओ यू आर अ बोर। गुस्सा नहीं करो मियम साहब। अच्छा देखो मियम साहब, हमको साफ साफ बता दो कि लड़की से कैसे बात करते हैं, हम वैसे ही करेगा। कुछ मैनर्स सीखो राजा। मैनर्स क्या है मियम साहब? हर काम ढंग से करना चाहिए, बात करने का ढंग, चलने फिरने का ढंग, कपड़े पहनने का ढंग। और कुछ मियम साहब? और तुम्हारा सर, अब जाओ बाकी सबक कर लेना। अच्छा मैम जी। सलाम मैम साहब।
भी गिन गिन के साहब लोग की तरह। राजा, राजा साहब, कहाँ की तैयारी है? लेकिन आज आप बात क्यों नहीं कर रहे? हमारा बैंड मना किया, अब हम ज्यादा बड़बड़ नहीं करेगा। चला, अजीब आदमी है यार। बॉस, इस तक हमारे यहाँ पक पक सुलता रहा राजा। गुड मॉर्निंग। सब क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम्हें हो गया है। हमको? हमको कुछ नहीं हुआ मियम साहब। मियम साहब, तुमने बोला था ना कि सब काम ढंग से करना चाहिए, इसलिए अब हम सब काम ढंग से करेगा। बोलेगा ढंग से, चलेगा ढंग से, कपड़ा पहनेगा ढंग से, ऐसे। नहीं राजा, नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं। तुम जैसे हो अच्छे हो, बहुत अच्छे हो। हम जैसा है अच्छा है मियम साहब? हाँ राजा, ओरिजिनल, नेचुरल, एक एक फूल की तरह। क्यों वंडरफुल राजा, वंडरफुल। बस मियम साहब, बस हमारा और तारीफ मत करो। हम अब ये कपड़ा उतार देंगे। ओ नो राजा, नॉट हियर, अपने डुंगी में। माफ करना मियम साहब, हम ये कपड़ा आप कभी नहीं पहनेंगे मियम साहब, कभी। सलाम मियम साहब। अब वो खुदा वाह, इस दीवाने दिल ने क्या जादू चलाया, तुमको हम पे प्यार आया, प्यार आया। ओए हमको तुम पे प्यार आया, प्यार आया। अफ़ो खुदा। है ये ऐसी, जमाना नहीं मानता। ओ बात है ये ऐसी, जमाना नहीं मानता। हमको तुम्हारा दीवाना नहीं मानता। ना मैं गुलशन, ना मैं तारा, ना मैं काजल, ना मैं बादल, मैं हूँ साया। ओ तुमको हम पे ओए प्यार आया। अब चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, अब
चाहे मुझको जमाना गोली मार दे, राजा के शिकार को भंवर में उतार दे। आगे जी के क्या लेना है, मेरे दिल ने जो भी मांगा था वो पाया, तुमको हम पे प्यार आया। पत्थरों से सर टकराऊं मैं दीवाना, पत्थरों से सर टकराऊं मैं दीवाना, जल जाऊं बनके क्षमा का परवाना। मरना जीना खाना पीना हंसना रोना नाना धोना सोना उड़ना चलना पिन्ना आना जाना, हम दीवाने ने मोहब्बत में बुलाया हमको तुम पे प्यार आया। तुम पे हर प्यार आया, प्यार आया, अब खुदा आया। ओ पुष्पन साहब, ये रीटा खन्ना का टेलीग्राम। अरे मेम साहब का तार खरी तो है ना, वो अंदर निकाल होगा, चलो अंगूठा लगाओ। अरे सिखा क्या, किसने सिखा भाई? मेम साहब तुम्हारा तारा आया है। क्या लिख रहा है? ओ चाची। क्यों मेम साहब? चेरी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे आज ही जाना चाहिए। स्टेला, स्टेला, राजा तुम टैक्सी लेकर आ जाओ। बेहतर है मैम साहब। स्टेला, स्टेला, चेरी का एक्सीडेंट हो गया है, मुझे आज ही जाना चाहिए। तुम राजा के साथ जाकर टिकट का बंदोबस्त कर दो। मैम साहब अब हम लिख पढ़ सकता है, खत भी लिख सकता है। हम तुमको खत लिखे? हाँ लिखना। तुम हमको जवाब देगा मियम साहब? देगा। तुम फिक्र मत करो मियम साहब, तुम्हारा बाप बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा, और फिर तुम अगला सीजन कश्मीर में जरूर आना। आएगा ना मियम साहब? मैं अभी कैसे कह सकती हूँ? नहीं मियम साहब, तुम जरूर आना, और हमारा ही हाउस बोट में ठहरना। हम अपना हाउस बोट किसी को किराए पे नहीं देगा, सारा सीजन तुम्हारा ही इंतजार करेगा। आएगा ना मियम साहब? हाँ आएंगे। शुक्रिया मियम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मियम साहब एक मिनट ठहरना, जाना नहीं। ड्राइवर साहब एक मिनट ठहरना, हम अभी आते हैं मियम साहब। मियम साहब ये हमारे तरफ से तुमको तोहफा है। ओ राजा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सलाम मियम साहब। जानती हो बेटी हम क्यों बच गए? क्योंकि एक्सीडेंट मामूली सा था। नहीं, बल्कि इसलिए कि भगवान हमारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है। कश्मीर जाके तुमने अपनी जिंदगी के बारे में तो फैसला कर लिया होगा, मेरा मतलब है। मैं समझ गई डैडी, लेकिन कश्मीर जाके मुझे शादी के बारे में ख्याल ही नहीं आया, और ना ही। क्या याद आ गया? कुछ नहीं डैडी, वहां एक लड़का था, पगला सा, हर वक्त शादी की बातें किया करता था। किसका बेटा था? जिस किसी का भी था। तुम्हें पसंद था? ओ मम्मी, वो बेचारा गरीब सा था। हाँ याद आया, तुम्हारा कश्मीर से खत आया, शायद उसी का हो। देखो जनाब, नेम साहब रीता देवी खन्ना। इसका खत है बेटे?
हाउसबोट वाले का होगा, घबराहट में हम किराए देना ही भूल गए थे, शायद उसी के बारे में लिखा होगा। डैडी डैडी आप उसे 500 रुपए भिजवा दीजिएगा। ओके माय डियर। अच्छा मैं चलूं? हम कुछ बात कर रहे थे ना बेटे। डैडी आपको डॉक्टर ने आराम ज्यादा और बातें कम करने को कहा है ना। ओके गुड नाइट दिन। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट। मेम साहब सलाम। तुमको गया 4 दिन हो गया, लेकिन हमारा बेन मुन्नी बोलता है ऐसा लगता है 4 बरस हो गया। आगे खबर ये है कि हम रोज सुबह उठ के तुम्हारा बाप का उम्र लंबा करने का दुआ करते हैं। जी बाबा। चला चला राजे का खत आया है। रियली मिस बाबा क्या बोलता? डैडी की सेहत के बारे में पूछा है। ओह गॉड ब्लेस हिम, बहुत अच्छा लड़का है मिसी बाबा। राजा जल्दी में हम तुम्हें पैसे देना ही भूल गए, 1-2 रोज के अंदर अंदर तुम्हें जरूर मिल जाएंगे। नियम साहब समझा, पैसे के लिए चिट्ठी लिखा। तो फिर तुम किसके वास्ते चिट्ठी लिखा था भाई? अगले सीजन में हम जरूर आएंगे और तुम्हारे हाउसबोट में ठहरेंगे। हमारे साथ चला भी आएगी। अपने पड़ोसियों से कह देना। कहता जिम साहब अभी कहता है, अभी कहता है। ओ अफ्रीका वाला तार, अफ्रीका वाला तार। ये तो पागल है। अफ्रीका वाला तार, क्या हुआ? अरे चिल्ला जाएगा, तुमको चिट्ठी आया क्या? हमको हमारा मीन सब खाता है, हमारा मीन सब अगले सीजन में आएगा, हमारा मीन सब अगले सीजन में आएगा, हमारा मीन सब अगले सीजन में आएगा। ये चिट्ठी आने से इतना खुश है, अगर मेन साहब आए तो क्या हाल? पागल हो जाएगा बस पागल। आई थिंक यू आर राइट। अच्छा ही है। क्यों?
भूखे रहने की आदत पड़ जाए तो अच्छे ही है ना, क्योंकि ना थोड़े दिन में पकाने के लिए चावल होंगे ना खरीदने के लिए पैसा। भाई मेरा कहना मान, हाउसबोट किराए पर दे दे। नहीं मुन्ने, हम अपना मियम साहब से बोला था हम उसका इंतजार करेगा, मगर कभी तक। आधा सीजन गया, आधा और गया, और मियम साहब नहीं आया तो भूखा मरेगा क्या? घबराओ नहीं मुन्ने, अब मेहनत मजदूरी करेगा और तुम्हें खिलाएगा, मगर अपना हाउसबोट किराए पे नहीं देगा। पिछले साल कम पागल था, ये साल और ज्यादा हो गया है। कम इन। रीटा। ओ डैडी। दार्जिलिंग से किशोर का खत आया बेटे, तुम्हारे साथ कश्मीर जाने के लिए उसने भी वक्त निकाल लिया है। लेकिन डैडी मेरी समझ में नहीं आता, आप उसे मेरे साथ भेजना क्यों चाहते हैं? तुम जानती हो बेटे, तुम्हारी मम्मी की और मेरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी करके इन दोनों खानदानों की दोस्ती को अमर कर लिया जाए। लेकिन ये फैसला हम तुम्हारे ऊपर ठोसना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि तुम दोनों कुछ दिनों के लिए इकट्ठे रहो, एक दूसरे को समझो, और अगर किशोर तुम्हें पसंद आ जाए तो हमारी ये ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। But I don't think that. Oh my dear, you don't worry. तुमने अभी करीब से उसको देखा नहीं है। किशोर इज अ वेरी गुड बॉय। ओके डैडी, इफ दैट्स व्हाट यू विश। दैट्स द गुड गर्ल। जेंटलमैन, आप किसे ढूंढ रहे हैं? यहाँ गुलिस्तान नाम का एक हाउस बोट था। था नहीं, है, लेकिन आजकल उसका नाम मेम साहब हो गया है। थैंक यू। यू वेलकम। राजा, राजा। क्या है साहब? यह हाउस बोट किराए के लिए खाली नहीं है सर। खाली नहीं? नहीं साहब। लेकिन ये तो हमने पिछले साल से बुक किया था। नहीं साहब, तुमने कोई और हाउस बोट बुक किया होगा, ये हाउस बोट तो हमारा मियम साहब का है। तुम्हारा मियम साहब? कौन मियम साहब? मुंबई का मियम साहब, रीता मियम साहब। ओ, मैं उसी के यहाँ से तो आया हूँ। तुम रीता मियम साहब के यहाँ से आया? हाँ। मियम साहब नहीं आया? वो कल आ जाए। कल? अच्छा चलो हाउस बोट दिखाओ। ये हमारा खाने का कमरा है और वो हमारा मियम साहब का सोने का कमरा है जिसे हम बेडरूम बोलते हैं, और एक और कमरा इधर साहब जिसे तुम सो सकते हैं। ठीक है ठीक है, आज मैं यहीं पे रहूंगा। नहीं साहब, ये हमारा मियम कह दिया ना तुम्हें, मैं कल शिफ्ट कर लूंगा, इधर यहाँ पे रख। अच्छा सर, हमारा जरूरत होगा तो हमें बुला लेना, हम अपने ढूंढे में से। साहब मेम साहब हमेशा बोलता था कि हम बहुत बात पूछता है, लेकिन क्या करें, बात ऐसा बन जाता है। हम एक बात पूछे साहब। क्या? तुम मियम साहब का बाप है? क्या बकवास, मैं तुम्हें रीता का बाप दिखाई देता हूँ। नहीं तो छोटा भाई होगा। नॉनसेंस, मैं रीता का भाई नहीं हूँ। तो नौकर चाकर होगा। शट अप, मेरे सामने बदतमीजी से बात मत किया करो। मैं रीता का मंगेतर हूँ। तो मियम साहब का क्या है? मंगेतर। रीता से मेरी शादी होने वाली है। राजा, मैं अपना कुक साथ नहीं लाया, चाय भिजवा देना। अच्छा सर। सलाम सर। किशोर, कैसी लगी तुम्हें मेरी पसंद? खूबसूरत।
मिसी बाबा डैडी को लेटर लिखने का। बदतमीज है वो। कौन डैडी? मिसी बाबा? नो राजा, खुद ही हमसे रिक्वेस्ट की कि हम उसके हाउसबोट में आके ठहरे। अब हम आए हैं तो खैर, गाने दो आजू से, कह दूंगी कि वो न्यूसेंस है। यस, पर अगर वो नहीं गया तो तुम जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुन्नी, क्या है मेम साहब? तुम कैसा है? हमको तो कुछ नहीं हुआ मेम साहब, हम तो बिल्कुल अच्छा है। राजा कहाँ है? वो तो पहाड़ी पर गया है मेम साहब। तुम हमें पहाड़ी का रास्ता बताओगी? क्यों नहीं मेम साहब, आओ। चलो। सामने वाली पहाड़ी पर मेम साहब। परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। ये पत्थर है ये नहीं रोते, ये पत्थर है ये नहीं रोते। इनके लिए ना आंसू बहाना है, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। ना ये बादल ना ये तारे, ना ये बादल ना ये तारे, ये कागज के फूल हैं सारे, ये कागज के फूल हैं सारे। इन फूलों के ना बाग लगाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों से न अखियां मिलाना। था
परदेसी से प्यार किया था, एक परदेसी से प्यार किया था। रो रो के कहता है दिल ये दीवाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। परदेसियों को है एक दिन जाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना, परदेसियों से न अखियां मिलाना। राजा मेम साहब, क्या बात है राजा? ना हमें एयरपोर्ट पे लेने आए और ना ही हाउसबोट में सलाम करने आए। हम ठीक नहीं समझा मेम साहब। पहले तो दिन रात सलाम करते थे। पहले का बात और था, लेकिन अब तो उधर। उधर क्या? उधर कुछ नहीं मेम साहब। कहो। हम कुछ कहेगा भी या कुछ पूछेगा भी तो तुम हमको झूठ ही जवाब देगा। झूठ? हम क्यों झूठ बोलेंगे? तुम झूठ बोला मियम साहब। माँ बाप छोटा भाई नौकर चाकर हमको बताया, मगर मंगेतर है ये हमको नहीं बताया। मंगेतर? मेरा मंगेतर कौन? किशोर साहब। किशोर? मासी क्या बात है साहब? उसने जरूर तुमसे मजाक किया होगा। शहर का लोग ऐसा मजाक भी करता है? उसकी आदत है। मगर ऐसा मजाक सुनने का हमारा आदत नहीं। मेम साहब वो है कौन? वो हमारा दोस्त है और डैडी ने उसे इसलिए हमारे साथ भेजा है कि हम उसे अच्छी तरह जान जाएं। क्यों? ताकि अगर पसंद आ जाए तो शादी के लिए हाँ कह दूं। तुम्हारा शादी तुम्हारा पसंद से होगा? ऑफ कोर्स। हम एक बात पूछें मियम साहब। तुम्हारा पसंद क्या है? ये तुम मेरा दूल्हा देखोगे तो समझ जाओगे। समझ जाएगा मियम साहब, समझ जाएगा। तुम उस बोट जाएगा? हमारा शिकारा में जाएगा? अब मियम साहब फूल मुझे दो, मैं सजा दूंगा। बेहतर। आज नरगिस के फूल क्यों नहीं लाए? ओ साहब, नरगिस का फूल बहुत दूर मिलता है और अब हमारा दिल मियम साहब से दूर जाने को नहीं करता। क्या? मियम साहब हाउसबोट का नाम है साहब। ओ अच्छा, जाओ। अच्छा साहब सुनो। ओ साहब 9:30 बजे शिकारा यहाँ होना चाहिए, मुझे और मियम साहब को घूमने जाना है। अच्छा साहब। कुछ नहीं, हम लोग किशोर साहब से मिलना चाहते हैं। अच्छा अच्छा चलो साहब, जाओ जाओ। माला उस पर नशी, या मौला या मौला, जो मौला। राजा राजा चाय तैयार हो गया। थैंक यू। साहब जाना ही चाहिए, जो कश्मीर आए और अमरनाथ नहीं गया तो समझो हरिद्वार जाके गंगा नहीं नहाया। जरूर जाना चाहिए वहाँ। वैसे कौन कौन जा रहा है? मैं और रीता। आप और रीता जा रहे हैं? चला चाय रख। बैठिए, आप बैठिए बैठिए।
स्टेला को भी साथ ले चलिए ना, बर्फानी इलाका है, रीटा दीदी की देखभाल के लिए कोई ना कोई तो जरूर होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, आप नहीं पिएंगे? मैं भी, थैंक यू। भाई वाह, क्या ज़ाफ़रानी चाय है। वाह साहब, क्या बताएं, इस बोट की तो हर चीज हमें पसंद है, लेकिन इसके मालिक से तो बहुत नफरत है। मतलब वो क्यों जी साहब, क्या बताएं, अगले साल हम उससे हेलो करने को आए थे रीटा देवी को, तो हमको पानी में कूद कर जाना पड़ा। वो कैसे? वो कैसे, अरे हम पे जलता है वो। आप पे नहीं जलता? क्या हुआ? कुछ नहीं, बुखार आया था। आप बात कीजिए, बात कीजिए। तो ये मैं कह रहा था कि साहब पिछले क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। मैंने इसी पोज में ना बॉस की फोटो खींच रखी है, वेरी गुड फोटो। मैं अभी एल्बम लेके आता हूँ। एल्बम मैं ले आता हूँ। नहीं 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 बॉस, एल्बम मैं ले जाता हूँ। अरे साहब रहने भी दीजिए, फिर देख लेंगे। नहीं साहब, हम तो आज ही आपको दिखा कर। फिर वही बात, बॉस में आखिर अगर तनख्वाह किस बात की लेता हूँ, मैं जाता हूँ। मैं ये पूछ रहा था, तू वही एल्बम लाने जाता है जो मैं लाना चाहता हूँ? उतनी बुरी तरह से बॉस, इतनी बुरी तरह से आप। एक्सक्यूज अस, चलो हम दोनों चलते हैं। पानी पानी में अबल अबल अबल। अरे झुनझुन, मेरी तो तबीयत साफ हो गई। रीता, क्यों ना स्टेला को भी अमरनाथ ले चले? हाँ, स्टेला को भी और राजा को भी। राजा? राजा की वहाँ क्या जरूरत है? हम इस जगह के लिए नए हैं किशोर, लेकिन राजा उस जगह से अच्छी तरह वाकिफ है। लेकिन रीता, क्यों तुम नहीं चाहते राजा हमारे साथ चले? उसके जाने ना जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेट्स गो। सलाम मेम साहब। थैंक यू राजा। आओ समझ। बोलो बोलो नहीं मेम साहब, इधर बैठो इधर। क्यों? हम सामने बैठे करें मेम साहब, इधर बैठो। आओ साहब बैठो 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 साहब। हमको ये पहन के दिखाओ। नो मुनी, ये मिसी बाबा का है, हमको गुस्सा करेगा। मेम साहब तो गया, तो देरी में आएगा, पहन कर दिखाओ ना। मुनी अच्छा बच्चा, लोग नॉटी पे नहीं करता, हम नहीं पहन सकते। नहीं नहीं, एक बार पहन के दिखाओ ना। ओह ऑलराइट, तुम इधर बैठो बैठो। बैठ गया। आपकी बंद। तो? किशोर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? कुछ खास ज्यादा नहीं। ओ राजा। मेम साहब। शिकारा मोड़ो, हाउस बोट की तरफ। बेहतर है। ओ गॉड, तुम हमको गरीब आदमी का घर में पैदा किया, लेकिन हमारा शादी एकदम रिच मैन का साथ में बनाना, ये हमको इतना ब्यूटीफुल ड्रेस देना सकता है। क्यों मुनी? हाँ तुम बहुत अच्छा दिखता है। तुम्हारी ये मजाक, हमारा ड्रेस पहना है तुमने? मिसी बाबा हमसे मिस्टेक हो गया। कैसे मिस्टेक हो गई तुमसे? तुमने हिम्मत कैसे की हमारा ड्रेस पहनने की? मिसी बाबा हमको बोले तुम ये दरिया में कूदने को कहते, तुम खुद जाओगे? मुझे नहीं मालूम था कि मम्मी ने मेरे साथ एक चोर को भेज दिया है। चोर ने मुनी हमको बोला था तुम पहनो। मिसी बाबा हम इसको ड्राई क्लीन करा
सफर बाकी है, मैं तो उकता गई। यहाँ आने का शौक भी तो तुम्हें ही था ना मीम साहब। जब हम छोटा बच्चा था और हमारा दिल नहीं लगता था तो हमारा नाना हमको एक बहुत अच्छा कहानी सुनाता था। मेरे नाना भी तो यहाँ नहीं है। नाना नहीं हुआ तो क्या हुआ मीम साहब, कहानी तो है ना। कौन सी कहानी? बोलो बुलबुल की कहानी। अगर तुम बोलेगा तो हम सुनाएगा। अच्छा सुनाओ। एक था गुल और एक थी बुलबुल, एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल, कुछ ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी, ऐसे गाती थी। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी जैसे तुम बातें करती हो, वो गुल ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, ऐसे शर्माता था, कैसे शर्माता था। वो गुल ऐसे शर्माता था जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं था गुल ऐसे क्यों शर्माता था, वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती है, ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती है। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए, उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। एक दिन की बात सुनाऊं, एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के, और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें, गाते थे ये गीत वो दोनों, सैया बिना नहीं कटती रातें, सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था,
आँख से आंसू बहते थे, एक था गुल और एक थी बुलबुल। आती थी आवाज हमेशा ये झिलमिल झिलमिल तारों से, जिसका नाम मोहब्बत है वो कब रुकती है दीवारों से। एक दिन आह गुलों बुलबुल की उस पिंजरे से जा टकराई, टूटा पिंजरा चूटा कैदी देता रहा सयाद दुहाई। रोक सके ना उसको मिलके सारा जमाना सारी खुदाई, गुल साजन को गीत सुनाने बुलबुल बाग में वापस आई। राजा बहुत अच्छी कहानी थी, याद सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना, तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना, प्यार गुलो बुलबुल सा करना। राजा रीता की तबीयत कैसा है? अब ठीक है, होश में आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक काम करो, ये लो ये दवाई लो और तुम भी पियो और रीता मैम साहब को भी पिलाओ, तबीयत अच्छा हो जाएगा। जाओ। अच्छा किशोर बाबू, ये वक्त मोहब्बत करने का नहीं है, एक डॉक्टर की जरूरत है। चाहिए बाजू के गांव में से डॉक्टर को बुला लाइए, जाइए। बॉस हम अंदर स्टेला के साथ दूध गर्म करेंगे। अच्छा गर्म करो। तुम जाओ किशोर के साथ, दूध गर्म करेगा बच्चा। आलोक मनोरंजन दांत का मंजन, बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, जय महाकाली कलकत्ते वाली, तेरा वचन न जाए खाली। आलोक आलोक आलोक। महाराज हम जरा आपके आग में दूध गर्म कर सकते हैं? करो बच्चा। चला दूध गर्म करो। थैंक यू। नमस्ते महाराज। चरंजीव रहो। देवी कोई बीमार है क्या? यस साधु जी, हमारा मिसी बाबा तूफान का अंदर गिर गया। तूफान में गिर गया तो कोई बात नहीं, लोग धर्मो ईमान से गिर जाते हैं, राज खुल जाने से नजरों से गिर जाते हैं। स्टेला देखो दूध गर्म हो गया क्या? तू क्यों डरता है बच्चा, क्या तेरा भी कोई राज है? नहीं हमारा कोई राज नहीं, हम तो सीधा साधा आदमी हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सीधा है जलेबी की तरह। लेकिन बालिक
तू इस सुंदर नारी और अपने अधीन से धोखा नहीं कर रहा है क्या? ये अधीन क्या होता? अधीन? अधीन का मतलब ये हमको नहीं मालूम अधीन क्या होता? लेकिन हमको मालूम है। अधीन का मतलब है किसी के अंडर। अंडर? साजू जी तुम तो इंग्लिश में बोलता है। इंग्लिश? हम तो दुनिया का हर जबान जानता है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, जापानी, चीनी, रशियन, सब जबान जानता है देवी। तो इसका सेक्रेटरी बन जानता है साधु जी। सेक्रेटरी? आहा, वो तो सोना आदमी है सोना। देवी छोड़ इस बदमाश का साथ और थाम ले उसका हाथ। ओ नो साधु जी, तुम कैसा बात करता? वो तो बहुत चीट है, वो ड्रेस बदल कर हमारा फूल बनाया। नहीं नहीं देवी, वो ड्रेस बदल कर तुम्हारा फूल नहीं बनाया, तुम्हारे से प्यार जताया। हो सकता है वो अब भी तुम्हारे सामने भेस बदल कर बैठा हो। पहचानो पहचानो देवी, पहचानो। उसके गले में बाहें डालकर बोलो, झुनझुन वाला, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुमसे शादी करने को सकता हम। बोलो। ऐसा कैसे बात करता साधु जी तुम? हम ठीक बोलता है स्टेला, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, बहुत मोहब्बत करता हूँ। इधर का साधु लोग खराब है। नहीं, हम इधर का नहीं है। अरे स्टेला, ये संत नहीं है, ये साधु नहीं है, ये बहुत अच्छा आदमी है। अभी हम एक सेकंड में निकालेगा, तुम हमको नौकरी से निकालेगा, वो अपना राज। शट अप, उनको हम अभी नौकरी से नहीं निकाल सकते। तो डार्लिंग निकाल दो। डार्लिंग तुम नहीं समझता है, अगर हम इसको अभी नौकरी से यहाँ निकल जाएगा तो ये ठंडी में एकदम लकड़ी बन जाएगा, इसको शहर में ले जाके नौकरी से निकाल देंगे। डार्लिंग तुम नहीं समझता। उठाओ उठाओ ये तुम और चलो घर। कम ऑन स्टार। पर बात नहीं मानता। हाँ मीम साहब, वो अमर जोड़ा है। यू इन मॉफी? मेरा मतलब है जो कभी नहीं मरता। हाँ मीम साहब, जब शिव भगवान पार्वती देवी को अमर कथा सुनाता था तो उस वक्त, ये बहुत सा पुराना बात है, तो उस वक्त ये जोड़ा उनका बात चुप चुप कर सुनता था और इस तरह वो भी अमर हो गया। हाँ मीम साहब, हम भगवान पर बहुत विश्वास करते हैं। अब देखो मीम साहब, पिछले साल अमीदर आया, अब मांगा, अब जो मांगा हमको मिला। ये बात किसे बताना नहीं चाहिए। अब जो कुछ तुम मांगेगा तुमको मिलेगा, तो मांग देखो मेरे साथ। चप्पल उतार। मगर एक बात है मेरे साहब, अगर भगवान तुम्हारा मुराद पूरा करने वाला होगा तो तुम्हारा मुंह पर पानी तो तुम दुखाएगा। मैं तो नहीं है। अच्छा साहब कुछ मांगो। साहब कुछ मांगो। नॉनसेंस, हम यहाँ शहर के लिए हैं, कुछ मांगना नहीं। अच्छा मेम साहब तुम मांगो। भगवान ने मुझे सब कुछ दे रखा है, क्या मांगो? अच्छा अच्छा, तो हम मांगते हैं। भगवान, पिछले साल हम तुमसे मांगा कि मियम साहब दोबारा कश्मीर आए, तुम हमारा मुराद पूरा किया। अब हम तुमसे मांगता है कि हमारा मियम साहब कभी इधर से ना जाए। राजा? कुछ नहीं मियम साहब, हम भगवान से मुराद मांगा, भगवान हमको आंसू दिया। कोई बात नहीं राजा, तुम्हारे लिए भगवान से हम मांग लेंगे। तुम क्यों मियम साहब? तुमने हमारी जान बचाई, इसलिए तुम्हारे लिए हम कुछ मांग लेंगे। तुम्हारा मर्जी। भगवान, राजा ने जो तुमसे मांगा वो उसे दे देना। अब हमें बाहर चलना चाहिए। चलिए। बहुत बहुत शुक्रिया भगवान। रीटा, सबके सामने मुझे तुम्हारा ये इंसल्टिंग बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं। इंसल्टिंग? कौन सी बेइज्जती की मैंने तुम्हारी? मेरी बातों का जला भुना जवाब देना, राजा से घुल मिल के बातें करना, मेरी बेइज्जती नहीं तो और क्या है? और कुछ? और मुझे ये भी पसंद नहीं कि तुम छोटे लोगों से इस तरह हंसती खेलती रहो।
तुम्हें क्यों पसंद नहीं है किशोर? क्योंकि तुम मेरे साथ आई हो। मैं मैं तुम्हारे साथ नहीं आई, तुम मेरे साथ आए हो और मैं वही करूंगी जो मुझे पसंद है, ना कि तुम्हें। किशोर, किशोर, थैंक गॉड सोया हुआ है, बोर। गुड मॉर्निंग रीता। गुड मॉर्निंग, कहाँ जाने की तैयारी है? चार चिनार जाने का प्रोग्राम नहीं बनाया था? बनाया तो था, लेकिन लेकिन मैं नहीं जा सकूंगी, अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। राजा, तुम किशोर को लेकर चार चिनार दिखा ला। मैं भी ना जाऊं तो अच्छा ही है, दरअसल मेरी तबीयत भी कुछ खराब है। ओह रियली? देखो देखो ना, ओह तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। ज्यादा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं रीता। चलो किशोर, नहीं नहीं, मैं नहीं कर रही हूं रीता। सुनो रीता, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं कहती हूं लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं भी डॉक्टर को बुला लाती हूं। डॉक्टर की जरूरत नहीं रीता, मैं जानती हूं तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। तुम जबरदस्ती कर रही हो। मैं कहती हूं लेट जाओ ना। राजा आओ, संभाल के मियम साहब। चलो राजा, डॉक्टर साहब के पास चलना। मियम साहब नहीं, चार चिनार। अच्छा मियम साहब, मियम साहब हमको मालूम नहीं था कि तुम कभी कभी झूठ भी बोलता है। राजा तुम बहुत बातें करते हो। हाँ मियम साहब, हम बात बहुत करता है लेकिन सच्चा बात करता है। चार चिनार के मियां साहब। ओह
हमारा कश्मीर है ना? है मियां साहब, लेकिन जिधर से आम देखता है वहां से और भी खूबसूरत लगता है। कहां से देखूं? नहीं नहीं मियां साहब, तुम नहीं देख सकता। क्योंकि क्योंकि जिधर से हम देखता है उस कश्मीर में तुम भी नजर आता है। और तुम नजर आता है तो हमारा कश्मीर और खूबसूरत लगता है। मियम साहब, हमारा बात तुमको अच्छा नहीं लगा? तुम पागल हो राजा। हाँ मियम साहब, पहले थोड़ा थोड़ा था, अभी ज्यादा हो गया है। देख रहा हूँ तुम दिन पर दिन बहुत बढ़ते जा रहे हो। हम साहब, हमने तो कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारा मियम साहब की मर्जी के खिलाफ हो। शट अप किशोर, चुप रहो रीता। तुम मैं ऐसा ऐसे लड़के से बर्दाश्त नहीं करूंगा। शट अप, चलो मेरे साथ। तुमने हमको थप्पड़ मारा, हमने कुछ नहीं कहा। तुम हमारा मियम साहब को हाथ लगाएगा, हम तुम्हारा हाथ तोड़ देगा। मारने की कोशिश मत करो। उस कमबख्त को जरा भी अकल नहीं, तुमको गिरा दिया। हमारा सामने इसका हिम्मत कैसे हुआ? नीम साहब, अगर तुम हमको मना नहीं करता तो हम उसको जान से मार देता। उसको मालूम नहीं कि हम तुमसे मोहब्बत करता है। अमीम साहब, हम तुमसे मोहब्बत करता है, सच्चा मोहब्बत करता है। मियम साहब, हमको मालूम है कि अभी तुम हमसे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन एक दिन तुम हमको हमसे ज्यादा मोहब्बत करेगा। उस दिन हम तुमसे शादी बनाएगा, अपने डूंगे में रखेगा, अपने कश्मीर में रखेगा, और कोई शहरी आदमी से मिलने जुलने नहीं देगा। हाँ मियम साहब, हम तुम्हारा नाम भी बदल देगा। मियम साहब, हम तुम्हारा नाम रज्जू रखेगा, रज्जू। हाँ मियम साहब, मियम साहब हम बिल्कुल सच्चा बोलता। मियम साहब तुम नहीं साहब, अब तुमको मारेगा नहीं। हम लोग मरा हुआ आदमी को नहीं मारते। हमारा मियम साहब तुमको लाने के लिए बोला तो हम आए। चलो डैडी, आपने किशोर के कहने पर उसी के कहने पर मैं यहां आया हूं। अगर वो मुझे टेलीग्राम ना करता तो ना जाने तुम क्या गुल खिलाते। मैं क्या गुल खिलाती, आखिर क्या कर रही थी मैं? उससे पूछती हो क्या कर रही थी तुम? क्या लगता है तुम्हारा जिसके साथ अकेली घूमने के लिए जाती हो? और किशोर क्या लगता है मेरा जिसके साथ घूमने के लिए आपने मुझे यहाँ भेज दिया? हो सकता है किशोर के साथ तुम्हारी शादी हो जाए। और हो सकता है उसके साथ मेरी शादी हो जाए। चलो मेरे साथ। उन्हें हमारा हाउसबोट क्यों खा दिया? मियां साहब किधर है? वो किशोर किधर है? गया किधर गया? बम्बई ले गया। सब किशोर का काम है। ये लोग समझता है हमको बम्बई का रास्ता नहीं मालूम। तो क्या तुम बम्बई जाएगा? मेम साहब के लिए हम किधर भी जाएगा। और आगे लिखता है, मेम साहब हमारा छोटा बहन हमको बताया कि तुम्हारा बाप तुमको थप्पड़ मारा, और ले गया। तुम हमको लिखो मेम साहब, हम उधर आकर तुम्हारा बाप का हाथ तोड़ देगा। वेरी गुड, हीरो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कोई इसकी हीरोइन को थप्पड़ मारा? शट अप, आउट यू गो। शट अप, नॉनसेंस। तो तुम इस जहल के साथ शादी करना चाहती हो? यस डैडी। क्यों? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि क्या तुम भी उसे प्यार करती हो? हाँ करती हूँ, लेकिन किशोर से नहीं, जिससे आप मेरी शादी कराना चाहते हो। कराना नहीं चाहता, तय कर चुका हूँ। मेरी मर्जी के खिलाफ? और आप जानते हैं अपनी मर्जी के खिलाफ मैंने आज तक एक कदम भी नहीं उठाया।
ये शादी नहीं होगी। रीटा, इसे कह दो मैं राय बहादुर चुनीलाल अपनी इकलौती लड़की की शादी किसी गवार जाहिल अनपढ़ दो कौड़ी के इंसान के साथ नहीं कर सकता हूँ। और इन्हें भी समझा दो कि राय बहादुर चुनीलाल की इकलौती बेटी रीता जो अमेरिका में तालीम हासिल कर चुकी है तरक्की पसंदीदार बालिग है अपनी शादी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं कर सकती। मत जा भाई, मत जा। हम कैसे नहीं जाए मम्मी, हमारा मेम साहब हमको चिट्ठी लिखा। लेकिन तुम उधर क्या करेगा, मेम साहब भी क्या करेगा अकेला सबका सामने। मेम साहब अकेला नहीं है मम्मी, हम उसके साथ हैं। और तुम घबराओ नहीं, हम वहां जाकर तुमको रोज चिट्ठी लिखेगा। अच्छा फिर तुम्हारा मर्जी, मालिक तुम्हारे साथ है। ए, किधर जाता है? रीता मियम साहब का घर यही है। क्यों? अमन को मिलने के लिए आया। जाओ जाओ अपना काम करो। रीता मियम साहब से बोलो कि राजा कश्मीर से मिलने आया। वो तुम जैसे भिखारियों से नहीं मिलती, जाओ जाओ। देखो हम लोग गरीब लोग पे हाथ नहीं उठाता, नहीं तो तुम्हारी गाली का भी मजा चखा था। रीता मियम साहब से बोलो कि अमन को मिलने के लिए आया। अरे बोला ना मियम साहब घर में नहीं है। मियम साहब घर में नहीं है? नहीं है। तो उनके बाप को बोलो राजा मिलने आया। तुम्हारा नाम? राजा, राजा कश्मीर का राजा। ठहरो बुलाता है। आपका मुकाबला किसी मामूली आदमी से नहीं अंकल। देखें अब आप कौन सी चाल चलते हैं। यस साहब, कश्मीर से राजा नाम का एक लड़का आया हुआ है, आपसे मिलना चाहते हैं। आने दो। अच्छा सर। अंकल ये वही लड़का है? हम जानते हैं किशोर, तुम उसकी फिक्र मत करो, देखते जाओ कि अब हम कौन सी चाल चलते हैं। लेकिन अंकल हमें सोचने दो किशोर, कौन सा मोरा कहां रखने से क्या होता है। यस सलाम साहब। तो तुम ही हो वो राजा जिसने चिट्ठी में हमारे बाजू तोड़ देने की धमकी दी थी, इसी इरादे से आए हो यहां? ओ साहब, वो तो गुस्से में ऐसा लिख दिया था। तो अब क्या चाहते हो? बात यह कि हमारा मां बाप आज जिंदा नहीं है, नहीं तो इस काम के लिए हम उनको बेचता था। इस काम के लिए? साहब तुम तो जानता है कि हम हमारा मियम साहब से बहुत मोहब्बत करता है, उससे शादी बनाना चाहता है, इसलिए हम इधर आया है। तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, लेकिन अगर रीता ऐसा ना चाहे तो? कैसे नहीं चाहेगा साहब, वो हमको चिट्ठी लिखकर बुलाया। और अगर हम तुम्हें उससे मिलने की इजाजत ना दे तो? साहब इजाजत दे दो तो अच्छा है, वरना तुम तो जानता है मोहब्बत करने वालों को मिलने से आज तक कोई नहीं रोक सकता। इसका मतलब है तुम धमकी देते हो? किशोर तुम खामोश रहो, साथ वाले कमरे में मेरा इंतजार करो, जाओ। राजा हम में इतनी ताकत है कि तुम दोनों को मिलने से रोक सके, लेकिन हम शरीफ आदमी अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इस बात की इजाजत भी नहीं देंगे तो कोई हमारे घर की इज्जत से खेले। नहीं साहब, हम तुम्हारा घर का इज्जत से खेलने नहीं आया, उसको अपना घर का इज्जत बनाने आया है। और उसके साथ साथ हमारे घर की दौलत को अपने घर की दौलत। हम गरीब लोग अपना घर का बहू बेटी को ही घर का दौलत, घर का लक्ष्मी समझता है। अगर तुम भी ऐसा समझता है साहब, तो बेशक हम तुम्हारा घर का दौलत को अपना घर का दौलत बनाने आया है। दौलत सिर्फ एक होती है और वो ये है। ये जा चुकी चाहिए तुम्हें दौलत, राजा मेम साहब अपने बाप साहब से कहो कि हम दोनों के दरमियान से ये हटा ले। डैडी डैडी ये सब क्या है? बेटे हम तो सिर्फ ये देख रहे थे कि जिसके लिए तुम हमसे बगावत कर रही हो वो कौन है, क्या है वो?
तुम्हारी पसंद हमें पसंद है बेटे। रियली डैडी? यस माय डियर। देखो बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम इसे मेहमान खाने में ले जाओ, फिर हमसे आके मिलो। तो हरी अपनाओ जाओ राजा बेटा। उधर तुम हमारा मेहमान था और इधर हम तुम्हारा मेहमान है। और देख लेना, हम भी हमारे मेहमान को जान से प्यारा रखेंगे। सच मियम साहब? लेकिन मियम साहब वो किशोर। ओ, डैडी उसे समझ लेंगे। रीता की शादी का वादा तो आपने मुझसे किया था। तुमने ठीक कहा था किशोर, मुकाबला किसी मामूली आदमी से नहीं है। बाजी काफी उलझी हुई है लेकिन है दिलचस्प। हमें देखना है कि जो चाल हमने सोची है वो कामयाब होगी कि नहीं। अंकल मैं अपनी और रीता के बारे में बात कर रहा हूं। किशोर तुम घर जाओ, हम तुमसे बाद में बात करेंगे। आओ बेटी आओ। राजा आपको पसंद है ना? हाँ बेटी, तुम्हारी पसंद की तो हम पहले ही तारीफ कर चुके हैं, लेकिन एक बात हमारी भी मन, राजा को उस स्टैंडर्ड पे ले आओ जहां पे हम। स्टैंडर्ड? हाँ बेटी, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद तुम्हें उसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलाने में शर्म महसूस हो। तुम उसे अपनी सोसाइटी के तौर तरीके सिखाओ, मैनर सिखाओ, एटिकेट सिखाओ और बोलने चालने का ढंग सिखाओ उसे। जब वो ये सब कुछ सीख जाए तो फिर हमसे बताओ, हम उसे अपनी सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। थैंक यू डैडी। नॉट एट ऑल माय। थैंक यू वेरी मच। Thank you.
B-A-T bat. C-A-T. C-A-T cat. R-A-T. R-A-T rat. रत नहीं राजा, रत नहीं मियम साहब, रत मियम साहब, हम तंग आ गया, कभी अंग्रेजी कभी हिंदी, हम कोई अच्छा नहीं लगता। आखिर मियम साहब तुम हमारा तब्दील क्यों करता है? मियम साहब तुमने तो बोला था कि हम जैसा है अच्छा है, पानी की जैसे, फूल की जैसे, बादल की जैसे। हर चीज अपनी जगह अच्छी लगती है, और अब तुम सिर्फ वहाँ के नहीं यहाँ के भी हो। देखो हमारे दोस्त रिश्तेदार और सोसाइटी तुम्हारी भी है। नहीं मियम साहब, हमको नहीं अच्छा लगता, हमको नहीं चाहिए। राजा क्या तुम हमारी इतनी सी बात नहीं मानोगे? नहीं मानोगे राजा? ओ मियम साहब, तुम बोलेगा तो राजा मानेगा। ओह यार डार्लिंग राजा, चलो ऐसे नहीं करो। बी ए टी बैट, सी ए टी कैट, आर ए टी थ्री फोर वन टू थ्री फोर One, two, three, four. One, two, three, four. Raja, I'm tired. Tum please freezer ke sath practice karo. Come freezer. Oh, so Mim sir, tum humko bilayati kapra pehne ko bola, hum pehna. Tum humko bilayati padhne ko bola, hum padha. Tum humko bilayati nachne ko bola, hum nacha. Magar tum humko ghair aurat ke sath nachne ko bolega, hum nahi nachega. Hum nachega to sirf tumhare sath nachega. Kyun? Tum humara rone wala baby hai. थोड़ी यार लिमिट है। चलो वन वन नहीं मिलाते, थोड़ा दबाते भी हैं। अच्छा चलो फिर से। आउच! ओह, यू आर अ ब्रूट। मियम साहब तुमने ही तो कहा था कि थोड़ा दबाना चाहिए। इतने जोर से थोड़े दबाने को कहा था कि अगले के जान ही चली जाए। हम थोड़ा ही दबाए मियम साहब। अच्छा ये मियम साहब के रट छोड़ दो। मैंने कितनी बार कहा मुझे रीटा कहा करो, सिर्फ रीटा। हमसे और किससे? हमसे तुम्हारा नाम कैसे? ओह, तुम क्या खाक शादी करोगे मुझसे? नाम तक तो लिया नहीं जाता मेरा, डर के मारे जान निकली जाती है। रीता, देखो हम तुम्हारा नाम ले सकता है? नाम तो ले सकते हो, लेकिन जरा प्यार से लिया करो, ऐसे रीता। इतना प्यार से क्यों? इसलिए कि जिसे प्यार करते हैं उसे प्यार से पुकारते हैं। देखो मैं तुम्हें कैसे पुकारती हूँ, राजा। तुम हमको प्यार करता है मियम साहब? नाना करते, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। करना था इनकार मगर इकरार तुम्हीं से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्हीं से कर बैठे। I'm
तुमसे भी हंसी है तुम्हारा ये बहाना, तुमने ही तो हमको सिखाया दिल लगाना, सीखा है दिलदार तुम्ही से प्यार, तुम्ही से कर बैठे नाना करते, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। हमको है पता जो तुम्हारी दास्तां थी, होंठों पे तो ना थी, होंठों पे तो ना थी मगर दिल में आती, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करके प्यार तुम्ही से कर बैठे। तुम्ही से कर बैठे नाना करते, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे। हो गया ये चिट्ठी मैंने पढ़ ली है बॉस, जिसमें स्टेला तुमसे शादी करने के लिए तैयार है, तो इसमें मुंह फुलाने की क्या जरूरत है, ये तो खुशी की बात है। ये चिट्ठी अगर मुझको आती मैं तुमसे पूछता तुम कितने खुश हो। शायद आप ये चिट्ठी तुमको क्या तुम्हारे बाप को भी नहीं आ सकती। ये तो सिर्फ हमको आ सकता है। हम मुंबई जाएगा, स्टेला से शादी करेगा और यही आएगा हनीमून करने के वास्ते। ठीक है बॉस, हमको अफ्रीका वापस जाने का पैसा दे दो। क्यों क्यों? हम कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहते। थैंक यू हम तुम्हारा बंदोबस्त। मत रो मत रो, रुमाल लो रुमाल। थैंक यू, तुम्हारा रुमाल नहीं चाहिए। हेलो बॉस, शादी मुबारक हो। थैंक यू थैंक यू। तुम यहाँ कहाँ से आ गया? आपकी शादी है ना, आपके लिए तोहफा लेके आया हूँ। ये तोहफा क्या होता? प्रेजेंट प्रेजेंट। किधर है प्रेजेंट? किधर? मैरी मैरी कौन? हमारा पहला वाइफ। यो मामा जामा।
इडियट लायर चीटर, हमको और बच्चा लोग को अफ्रीका में छोड़ के इधर नया शादी बना था। अरे बच्चा लोग को कौन खिलाएंगे तेरा बाप? तुम हमको चीट किया? नहीं नहीं छूट गए, अरे अभी हमारा क्या होएगा? चलो डालने, तुम मेरा ही होता है, तुमसे हम शादी करेगा। You are also cheap. नो डालने, तुम जो बोलेगा उसका कसम खाएगा। हम अभी तक बिल्कुल प्योर बैचलर है। ये ले, 100% तुम हमारे से शादी करेगा? जरूर करेगा। कौन Ladies and gentlemen, let me have the privilege of introducing the chief guest of the party, Mr. Rajkumar. Pleased to meet you, Mr. Rajkumar. Pleased to meet you. How are you doing? Hello. Are you pleased to meet you, huh? To be tag dance now. From you, my dear boy, ladies and gentlemen, Mr. Rajkumar. अब एक बहुत अच्छा सा गाना सुनाएंगे। आ गया
यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। कहाँ शाम सहर ये, कहाँ दिन रात मेरे, बहुत रुसवा हुए हैं यहाँ जज्बात मेरे, नई तहजीब है ये, नया है ये जमाना, मगर मैं आदमी हूँ वही सदियों पुराना, मैं क्या जानूं ये बातें, जरा इंसाफ करना मेरी गुस्ताखियों को, खुदा रा माफ करना, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। तेरी बाहों में देखूं सनम गैरों की बाहें, मैं लाऊंगा कहाँ से भला ऐसी निगाहें, ये कोई रक्स होगा, कोई दस्तूर होगा, मुझे दस्तूर ऐसा कहाँ मंजूर होगा, भला कैसे ये मेरा लहू हो जाए पानी, मैं कैसे भूल जाऊं मैं हूँ हिंदुस्तानी, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। मुझे भी है शिकायत, तुझे भी तो गिला है, यही शिकवे हमारी मोहब्बत का सिला है, कभी मगरिब से मशरिक मिला है जो मिलेगा, जहाँ का फूल है जो वहीं पे वो खिलेगा, तेरे ऊंचे महल में नहीं मेरा गुजारा, मुझे याद आ रहा है वो छोटा सा शिकारा, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, मैं जो हूँ बस वही हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ, यहाँ मैं अजनबी हूँ। रीटा, ये तुमने क्या किया? तुम जानते हो सबने तुम्हें पसंद किया, अप्रूव किया, सब तुमसे खुश थे, फिर भी तुमने, बोलो राजा, बोलो, ये सब करने की क्या जरूरत थी? जरूरत थी रीता,
क्योंकि यह सवाल सिर्फ उनकी खुशी और पसंद का नहीं बल्कि मेरी खुशी और पसंद का भी है, और ये सब कुछ मुझे पसंद नहीं आया। क्या पसंद नहीं आया? कुछ भी पसंद नहीं आया रीता। आखिर ये सब क्या है? कौन से रिवाज है ये? कहाँ का दस्तूर है कि बेटी माँ बाप के सामने शराब पिए, कि माँ बाप अपनी बेटी को बेटी नहीं बल्कि नुमाइश की एक चीज समझ कर लोगों के सामने पेश करें, एक की बीवी दूसरे के बाजू में नाचे जैसे कि तुम इन दूसरों के बाजू में। तो क्या हुआ, क्या फर्क पड़ता है दूसरों के साथ डांस करने में? जिस दिन जिसकी जान मेरी इस तरह दूसरों के बाजू में नाचे मैं नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकते? आखिर इसी सोसाइटी को तो अपनाने चले थे तुम, हमारी तहजीब को, हमारे कल्चर को। हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, ये उधार लिए हुए रिवाज, ये चुराई हुई रस्में, ये बनावट, ये नंगापन। नहीं देखा इन चीजों को, अपनी तहजीब और कल्चर तुम कह सकती हो, मैं नहीं। क्योंकि तुम्हारी सोसाइटी में आने के बावजूद मैंने अपना कल्चर नहीं भूला, जो समंदर की तरह विशाल और गहरा, जो हजारों साल पुराना। मेरी तहजीब वो तहजीब है जिसने सीता, रानी पद्मनी और हबा खातून को जन्म दिया, उस रीता को नहीं जो अपने होने वाले शोहर को छोड़कर किसी गैर की बाहों में चली जाए। तुम्हारी ये पुरानी तहजीब, पुराने ख्याल, पुरानी मरसूदा बातें भूल क्यों नहीं जाते तुम? ये सब कुछ मान क्यों नहीं लेते कि सीता और रीता में हजारों साल का फर्क है? तो नहीं मान सकता, नहीं मान सकता कि इस धरती ने जिसने सीता को जन्म दिया वो। मुझे अफसोस है रीता, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैं तुमसे अब भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था, मगर मैं तुम्हारी इस नई तहजीब को नहीं अपना सकता, नहीं अपना सकता। तुम पहले क्यों तैयार हो गए थे अपनाने पर? मुझे नहीं मालूम था कि चंद अच्छी बातें सिखाने के बहाने तुम लोग मुझसे मेरे संस्कार, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति छीन लेने की कोशिश करोगे। तो इसका मतलब है कि इस लिबास के अंदर तुम अभी तक वही वही गंवार हो। हाँ, लिबास बदल देने से आत्मा नहीं बदल जाती। और जानते हो जो कुछ कह रहे हो उसका मतलब क्या है? जानता हूँ। इसका मतलब है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन अगर तुम मुझे जलील करके मुझसे शादी करना चाहती हो तो ये शादी हरगिज नहीं। ऑल राइट, चले जाओ, चले जाओ। गो बैक टू कश्मीर, गो बैक टू योर पीपल, गो बैक टू योर सोसाइटी, गो टू हेल। यकीन नहीं था कि आपकी ये 40 कदर कामयाब रहेगी, मगर हमें तो 100% ही यकीन था, वरना हम क्या पागल थे जो उस भिखारी को इतने दिनों अपने घर में रखते। हम जानते थे किशोर, हम जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से नहीं करा सकते, इसलिए हमने ये जाल बिछाया जिसमें उलझकर हमारी बेटी ने वैसा ही किया जैसा हम चाहते थे।
लेकिन अगर ऐसा ना होता तो? होता कैसे नहीं किशोर, सीधी सी बात याद रखो, जिंदगी में हमेशा कामयाब रहो, अमीर से उसकी दौलत और गरीब से उसकी इज्जत छीन लो, वो हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। राजा भी हमेशा हमेशा के लिए मर गया, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम्हारे और रीटा के दरमियान कोई नहीं, बल्कि यूं कहिए अब रीटा और राजा के दरमियान कोई नहीं। रीटा बेटी, मैं सब जान गई, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मैं नहीं जानती थी अपनी बात मनवाने के लिए बाबी अपनी बेटी के साथ धोखा कर सकता है, नाटक खेल सकता है। तुम इसे कुछ भी समझो, लेकिन हमने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। मैं अपनी भलाई समझती हूँ और राजा को वापस लेने जा रही हूँ। रीटा, जिसने इस घर वालों की, घर के मेहमानों की, घर की दीवारों तक की बेइज्जती की हो, उस घर में वापस नहीं आ सकता है। उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है, उसके लिए इस घर में कोई जगह नहीं, लेकिन मुझे यकीन है उसके घर में मेरे लिए बहुत जगह होगी। मैं वहां जा रही हूँ। रीटा, बेतालीस अप मेल प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 9:10 पर छूटेगी। थैंक यू वेरी मच। पठानकोट जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 5 से 9:40 पर जाएगी। सदा रखना ये कहानी, चाहे जीना चाहे मरना, तुम भी किसी से प्यार करो तो प्यार गुलाब बुलबुल सा करना।